नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल चैनलिस्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन से डिश एंटीने को सेट करना है, चाहे रात हो या दिन, आप कभी भी अपने स्मार्टफोन से बिना डिश इंजीनियर बुलाए बहुत ही आसानी के साथ अपनी डिश एंटीने को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने स्मार्टफोन में क्या क्या करना होगा और कैसे आप नई नई सैटेलाइटों को या डीडी फ्रेडिस या एयरटेल, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट या किसी भी सैटेलाइट के को कैसे सेट कर सकते हैं और उस पर सिग्नल ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपको आना है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आना है दोस्तों, और गूगल प्ले स्टोर में आपको ये वाली जो एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल कर लेना है। वैसे दोस्तों, जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे ऊपर आपको या सैटेलाइट डायरेक्टर आप सर्च कीजिए या सैटेलाइट फाइंडर आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी ऐप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो ऐप मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, इस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आप आसानी के साथ किसी भी सैटेलाइट को, डीडी फ्रीडिस हो, एयरटेल हो, वीडियोकॉन हो, सन डायरेक्ट हो या कोई सी भी सैटेलाइट हो, उसे बड़ी आसानी के साथ आप चेक कर पाओगे और सिग्नल को मिला पाओगे। तो दोस्तों, अब ये तो हो गई बात इसकी, और दूसरी बात ये दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन और होना चाहिए जिसका नाम है दोस्तों कंपास सेंसर। दोस्तों, कंपास सेंसर, कोई सा भी कंपास सेंसर आप यहां से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद से मैं आपको यहां पे दिखा दूं, कंपास सेंसर आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको कंपास सेंसर से मैं आपको यहां पे मैं इसे ऑन करता हूं। ये देखिए, कंपास सेंसर बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे आप सबसे पहले स्मार्टफोन में आप देख सकते हैं, पूरा आपका कंपास दिखा रहा है। दोस्तों, यहां पे ये तो हो गया, लेकिन दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में क्या क्या ओपन करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में डाटा चालू कर लेना है और अपना जो लोकेशन है दोस्तों उसे आपको अपने स्मार्टफोन में चालू कर लेना है। अब दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ, लाइव मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन होगी, यहाँ पे सेट फाइंडर पे आइए आप, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आपको ओके करना है ऊपर, और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी सैटेलाइट, अपने जो एयरटेल, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट या हसेट या डीडी फ्रेडिस, उसका सैटेलाइट डिग्री, डिग्री कहाँ पे लिखा होता है, ये यहाँ पे लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं 46 है यहाँ पे लिखा होता है, और आपको ये डिग्री आपको मालूम होनी चाहिए और उसी डिग्री के हिसाब से आपको सेट करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिग्री कैसे मालूम होगी, इसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके आसानी के साथ डिग्री पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मुझे डीडी फ्रेडिस को सेट करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जी सेट 15 है, जी सेट 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बगल में 93.5 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं 93.5, तो आप इनमें से कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 93.5 यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि डीडी फ्रेडिस का जो है 93.5 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डिश लगी हुई है, ये लगी हुई है डीडी फ्रेडिस पे। तो आइए इस पे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो है जहाज नुमा जो बना हुआ है, ये जो यहाँ पे आएगा तो समझिए आपका सिग्नल मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर घूमता हूँ, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आया तो ये डीडी फ्रेडिस पे यहाँ पे होगा। और एंटीना का रूप देख लीजिए, एकदम सेम ऐसे है। तो आपको अपने एंटीने पे ये जो बीच वाली डंडी है, डंडी के एकदम ठीक सामने आपको रखना है इसे। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए आप लोग, ये डंडी पे आप रखेंगे, ये देखिए एकदम हमारा जो राइट है, ठीक है, ये राइट हमारे पास, ये एकदम डीडी फ्रेडिस पर ही, जो डीडी फ्रेडिस पे है, एकदम डीडी फ्रेडिस पे हमारे पास ये एकदम बिल्कुल एंटीना सेट है और एकदम परफेक्ट बता रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपका इधर उधर होता है तो एंटीना को लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन करके आप इसे सेट कर सकते हैं और इस पे सिग्नल आप ला सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों डीडी फ्रेडिस की बात, ठीक है। मैं आपको एक और दूसरी सैटेलाइट बताता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास टेलीस्टार 18, यानी कि दोस्तों 138 डिग्री ईस्ट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। 138 डिग्री ईस्ट को, यानी कि जो ये वाली हमारी डिश लगी हुई है, आपको ये शायद दिख रही हो, यहाँ पे ये जो डिश लगी हुई है दोस्तों, ये वाली जो डिश है, ये हमारे पास लगी है 134 डिग्री ईस्ट पे, 138 में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको इस पे आप लोगों को बताऊंगा कि कितना ये आएगा और कैसे आएगा। तो आइए मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, और यहाँ पे स्मार्टफोन में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको ओके कर दूँ,
टेलीस्टार 18 सॉरी ये फिर मैं मेरा यहाँ चला गया, तो यहाँ पे मैं एकदम नीचे आऊँगा, एकदम नीचे ही था टेलीस्टार का, ठीक है। टेलीस्टार ये देख सकते हैं, टेलीस्टार 18, ठीक है 18, और ये हमारा 134 पे था। आप ये देख सकते हैं जहाज वाला जो आइकन है आपका, ये देख सकते हैं, ये एकदम और इधर है, तो यानी ये जो डिश है हमारा 134 पे, ये और इधर आएगा, समझ रहे हो आप, और इधर आएगा, तो ये हमारे पास ये एकदम सेंटर में हो जाएगा। ये यहाँ पे ये देखिए, ये मैं घूम रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये इतना पे आ गया है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप अपने डिश एंटीने को इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी के साथ आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, और इसका जो अगर आपको सैटेलाइट के बारे में मालूम करना है कि आपकी सैटेलाइट कौन सी है, कितने डिग्री पे है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप किसी भी सैटेलाइट को DD Fairdays या कोई भी कुछ भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, और इन एप्लीकेशनों को भी जाके वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।